पंकज सारस्वत ने बहुत रिसर्च करके स्टडी करके ये शो बनाया और आईपीएल की तर्ज पे, जिस तरह से आईपीएल में बहुत सारी टीमें होती हैं वो आपस में कॉम्पीट करती हैं, इसी तरह से इस शो का नाम है आईएमएल, इंडियन मजाक लीग। तो इसमें 5 टीमें बनी हुई हैं, एक पंजाब की टीम है, एक यूपी बिहार की टीम है, एक गुजरात की टीम है, एक महाराष्ट्र की टीम है, एक राजस्थान की टीम है। तो मैं यूपी बिहार वाली टीम का कैप्टन हूँ और हर टीम में कुछ 5-5 लोग हैं, तो मज़ा आएगा, एक डिफरेंट लग रहा है मुझे कॉमेडी की फील्ड में। मैं तो अब प्रेशर नहीं लेता हूँ, जो काम आएगा, जो स्क्रिप्ट आएगी, जो आएगा, मैं उसको प्ले करूँगा, इन्जॉय करूँगा। अब वो प्रेशर लेने वाला और वो सब टाइम गया, तो मैं जो भी काम करता हूँ मैं खुद इन्जॉय करता हूँ, पहले खुद मज़े लेता हूँ और दैट्स वाई फिर वो मज़ेदार होके निकलता है। देखिए, लाइफ होके में शो आ रहा है और मुझे लगता है ये शो बहुत पसंद किया जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट अलग है। जो और शोज चल रहे हैं दूसरे चैनल में, एक में एक फैमिली है, उसमें बुआ है, मौसी है, ये है, वो है, सब लोग है। और एक दूसरा शो आता है जिसमें किसी सेलिब्रिटी को बुला के उसकी बेइज्जती की जाती है, तो ये ऐसा नहीं है। और ये कंपटीशन वाला अभी कोई शो है नहीं किसी चैनल में कॉमेडी पे, तो कंपटीशन होगा वो हरभजन और वो जज है शोएब, और मैं जितना भी मिला हूँ शोएब से या हरभजन से, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है ये पैकेज बहुत अच्छा बनने वाला है। काफ़ी कुछ सस्पेंस में रखा गया है, कुछ अभी लिखा जा रहा है, कुछ अभी बना रहे हैं हम लोग, तैयार कर रहे हैं। तो बहुत सारे करेक्टर हम नए इंट्रोड्यूस करने को सोच रहे हैं। एक करेक्टर जैसे मैं ये लेके आया हूँ कि और कैसा है, ठीक है, अच्छा, और कॉमेडी शो हो रहा है, हैं हैं, अच्छा है, हैं देख रहे हो, हैं अच्छा, देखते रहना, अच्छा। बीच में मुलायम सिंह जी बोल पड़ते हैं, हमें जो उत्तर प्रदेश विभाग का ही हमें जो बात आना है, जो नया शो जो आ वो अच्छा शो आ, अच्छा शो आएंगे, क्यों अच्छा आएंगे, अच्छा शो आएंगे। अभी देखिए, हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी जज तो ऑडियंस होती है। और ये बात सही है कि समय समय पे कॉमेडी और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं ज़िंदगी में। हमारा जो पहला आया था लाफ्टर चैलेंज 2005 में, 11 साल हो गए उसको, तो तब बहुत लंबे लंबे आइटम चलते थे, उनका ड्यूरेशन बहुत रहता था। अभी थोड़ा नेट और ये सब आ जाने से सब कुछ फास्ट हो गया, अब आइटम हमें छोटे छोटे करने चाहिए। अब लोगों को इतना पेशेंस नहीं है इतना, कोई भी आइटम 12 मिनट का देखने का, 14 मिनट का देखने का। पहले वाला मेरे, आपको याद होगा, जो मेरे शादी का आइटम था वो 14 मिनट का था, शोले का आइटम था वो 12 मिनट का था, मेले का आइटम था 10 मिनट का था। अब ये है कि लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे हों और फिर चेंज हो जाए, तो 3-3 मिनट का। मुझे लगता है, देखिए, 125 करोड़ लोग हैं देश में, 125 करोड़ लोगों का देश है हिंदुस्तान, और उसमें 2 ही शो कॉमेडी के आ रहे हैं, है ना, एक कलर्स पे और एक सोनी पे। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी शो बहुत कम है, तो कंपटीशन नहीं होगा और इसको भी लोग हाथों हाथ लेंगे। हर शो जो भी आजकल चल रहा है वो जिस दिन लॉन्च हुआ तो नया ही था, तो नया ही होता है, तब वो पुराना होता है, तो इसलिए सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, और बस लोगों की शुभकामनाएँ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। नहीं, सिद्धू तो जोक अच्छा नहीं तो भी हंसते हैं। कई बार तो हम लोग जोक शुरू करते हैं तो सिद्धू जी हंसने लगते हैं, लेकिन ये उनका नेचर हो गया कि आप कुछ बोलो तो उनको हंसना है। लेकिन भज्जी जो है ये सही जगह पे हंसता है, जहाँ हंसने वाली बात है वहीं हंसता है। नहीं नहीं, इसमें अभी हम गमछा डालेंगे और हम यूपी बिहार टीम के कैप्टन हैं, तो बिहारियों की ऐसी तैसी करेंगे, यूपी वालों की ऐसी तैसी करेंगे, अवधी बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे, बुंदेलखंडी बोलेंगे और सब नेताओं की खिंचाई करेंगे। नहीं नहीं, ये कैप्टन ऐसा है, सिर्फ लीड करने के लिए कैप्टन है, अदरवाइज हम परफॉर्म करेंगे, हम बैठ के नंबर वगैरह नहीं देंगे। मैं अभी जज वगैरह नहीं बनना चाहता, मैं जज किसी शो में, हाँ एक में बना था, लेकिन मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बी एज ए जज। जज में करने के लिए कुछ नहीं होता, बी स्टूडेंट।